स्वागत है आप सबका मैक्सवेल स्टडी रिसर्च चैनल पर प्रेजेंट एक और नए वीडियो स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस के इस वीडियो लेक्चर पर। गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाला वेरी यूजफुल और कॉमन इंग्लिश सेंटेंस जो हम डेली लाइफ में एक दूसरे के साथ बहुत यूज करते हैं। तो उसी सेंटेंस के इस वीडियो में देखेंगे और एक दूसरे के साथ बोलने की कोशिश भी करेंगे। जब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। जब बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, शेयर करेंगे नहीं, तब सीखने का कोई फायदा नहीं है। और गाइस, इससे पहले वाले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर एक छोटा सा इंट्रो के बाद। पानी पूरी ही गोलगप्पा है, पानी पूरी इज गोलगप्पा इट सेल्फ, पानी पूरी इज गोलगप्पा इट सेल्फ। गाइस, वैसे तो पानीपुरी को वाटर बॉल्स कहा जाता है और यहाँ पर पानीपुरी और गोलगप्पा को एक जैसे समझाने के लिए हमने यहाँ पर ईट शेल्प का यूज़ किया है। और ईट शेल्प इसलिए यूज़ किया गया है कि पानीपुरी एक नॉन लिविंग थिंग्स है। और अगर पानीपुरी किसी लड़का का नाम होता तो वहाँ पर ईट शेल्प के स्थान पर हिम शेल्प का यूज़ करते, और अगर पानीपुरी कोई लड़की का नाम होता तो वहाँ पर हम ईट शेल्प के स्थान पर हर शेल्प का यूज़ करते हैं। तो चलिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह का एक और एग्जाम्पल देखते हैं अगले सेंटेंस के बाद। हरगिज़ नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब्दुल गफ्फर खान ही सीमांत गांधी है, अब्दुल गफ्फर खान इज द फ्रंटियर गांधी हिमसेल्फ, अब्दुल गफ्फर खान इज द फ्रंटियर गांधी हिमसेल्फ। तो दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में कहा पानीपुरी एक नॉन लिविंग थिंग थे इसलिए इट सेल्फ वहाँ पर यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब्दुल गफ्फर खान एक लिविंग व्यक्ति है इसलिए हमने यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज़ किया है। इस हिमसेल्फ को हमने इसलिए यूज़ किया गया है कि अब्दुल गफ्फर खान का दो रूप है। क्या क्या है? एक अब्दुल गफ्फर खान है और एक फ्रंटियर गांधी है, मतलब सीमांत गांधी। क्या फर्क पड़ता है? डज इट मैटर, डज इट मैटर। वो बहुरूपिया राहुल ही थे, इट वॉज राहुल वॉज दैट पायरोट हिमसेल्फ, इट वॉज राहुल वॉज दैट पायरोट हिमसेल्फ। वो मेरा दोस्त है फिर भी वो मेरे दुश्मनों के साथ मिल रही है, सी इज माई फ्रेंड एट सी इज एसोसिएटिंग विद माई एनिमीज, सी इज माई फ्रेंड एट सी इज एसोसिएटिंग विद माई एनिमीज। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, सी इज माई फ्रेंड इवन देन सी इज एसोसिएटिंग विद माई एनिमीज। तो दोस्तों, फिर भी के लिए आप यहाँ पर इवन देन और येट का यूज़ कर सकते हैं। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट। क्या ये आपके साथ हुआ है? हैज दिस हैपेंड टू यू, हैज दिस हैपेंड टू यू। क्या ये रुपया चलेगा? विल दिस मनी पास, विल दिस मनी पास। मुझे चलेगा, इट विल डू मी, इट विल डू मी। क्यों नहीं चलेगा? वाई विल नॉट इट डू, वाई विल नॉट इट डू। थोड़ा सा भी नहीं, नॉट इवन आ बीट, नॉट इवन आ बीट। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑन एनी ऑन साइड, आई एम नॉट ऑन एनी ऑन साइड। आज पैसे मैं दूंगा, टुडे आई विल पे, टुडे आई विल पे। तुम सब उदास क्यों हो? वाई आर यू ऑल सैड, वाई आर यू ऑल सैड। इस पर मेरी मिली जुली राय है, I have a mixed opinion on this. I have a mixed opinion on this. मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। I will go in a while. I will go in a while. Guys, थोड़ी देर का मतलब होता है in a while. आप थोड़ी देर के लिए in a while का यूज़ कर सकते हैं। मैं तुम्हारी पक्ष में हूँ। I am on your side. I am on your side. उसके पास पैसा है तो सही। He does have money. He does have money. अगर मैं कहूँ कि उसके पास पैसा है तो आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं he have money, he have money। लेकिन मैंने यहाँ पर पैसा है तो सही का यूज़ किया है, इसलिए हम यहाँ पर does have का यूज़ किया है। जब आप किसी बात को कन्फर्म होकर बोलते हैं तब ऐसे सेंस में does have का यूज़ करते हैं। मान लो कि आपका दोस्त कह रहा है कि वो कंगाल हो गया है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तब आप कहते हैं अरे भाई उसके पास पैसा है तो, उसके पास पैसा है तो, वो कंगाल नहीं है, सब दिखावा करता है। तो भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का इम्फेटिक सेंटेंस है। तुम बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकते,
यू कैन नॉट गो इनसाइड विदाउट परमिशन, यू कैन नॉट गो इनसाइड विदाउट परमिशन। यहीं कहीं मैंने अपना चाबी रखा है, आई हैव पुट माई की हियर सम बियर, आई हैव पुट माई की हियर सम बियर। नहीं ये नहीं चलेगा, नो इट विल नॉट डू, नो इट विल नॉट डू। कहाँ दर्द हो रहा है बेटे, वेयर इज इट गेटिंग पेंशन, वेयर इज इट गेटिंग पेंशन। मैंने उसे पहले कहीं ना कहीं देखा है, आई हैव सीन हिम समवेयर और द अदर बिफोर, आई हैव सीन हिम समवेयर और द अदर बिफोर। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। मैं उसे उदास नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू मेक हिम डिस्पेयर, आई डोंट वॉन्ट टू मेक हिम डिस्पेयर। क्या हम साथ साथ हैं, आर वी टुगेदर, आर वी टुगेदर। मेरी चाबी कहीं ना कहीं यहीं है, माई की इज हियर समवेयर, माई की इज हियर समवेयर। तुम किसकी तरफ हो, व्हिच साइड आर यू, व्हिच साइड आर यू। मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है, आई हैव सीन हिम समवेयर बिफोर टू, आई हैव सीन हिम समवेयर बिफोर टू। मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे, मूव आउट ऑफ माई वे। इस भयानक बारिश में मुझे कहीं रुकने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्टे समवेयर फ्रॉम दिस टेरिबल रेन, आई नीड टू स्टे समवेयर फ्रॉम दिस टेरिबल रेन। नहीं ये नहीं चलेगा, नो इट विल नॉट डू, नो इट विल नॉट डू। उसने इसे कहीं रख दिया होगा, ही माइट हैव केप्ट इट समवेयर, ही माइट हैव केप्ट इट समवेयर। गाइस यहाँ पर संदेह और संभावना को शो करने के लिए माइट हैव का यूज़ किया गया है।